लोग जो है प्रकृति के ऐसे सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के लिए लेह लद्दाख मंसूरी कहाँ कहाँ जाते हैं शिमला, लेकिन मैं तो कहता हूँ एक बार आप आकर के बिहार को एक बार एक्सप्लोर कीजिए आप, क्योंकि बिहार में ऐसे ऐसे हिडन ट्रेजर आपको मिलेंगे ना कि आप मंसूरी लद्दाख और शिमला इन सबों की खूबसूरती यकीन मानिए आप भूल जाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही खूबसूरत और एडवेंचरस लोकेशन अभी हमें साथ में एक्सप्लोर करना है। तो अभी अपना जो डेस्टिनेशन है वो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये हाईवे बहुत खूबसूरत है। तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं और मेरे सामने आप नज़ारा देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ और एक्साइटमेंट लेवल तो भाई साहब अपने शबाब पे है। देखते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, जितना सुना है इसके बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा है, और ये तो अब नज़दीक जाने के बाद ही, दीदार करने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में इसकी खूबसूरती किस तरह की है। तो यहाँ पे सामने कुछ सूचना भी दिया हुआ है बोर्ड पर, धाम परिसर में शराब की बिक्री सेवन प्रतिबंधित है। तो ये सही भी है, ऐसे जगह पे जब भी आप आते हैं तो आप नेचर का आनंद लीजिए, प्रकृति के सौंदर्य का जो है दीदार कीजिए। ऐसे जगहों पे आकर के आप ऐसे धूम्रपान या फिर मदिरा पान अगर आप करते हैं तो ये एक बहुत ही गलत मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। कहाँ से हैं आप? हम डेरी ऑनसोन से। डेरी ऑनसोन, जी हाँ। पहली बार आप भी आ रहे हैं? नहीं, हाँ फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। थोड़ा सा तकलीफ इस बात का लग रहा है कि कुछ पर्यटक स्थल पे कुछ वैसा रोड का प्रॉब्लम है। हाँ, ये चीज है थोड़ा। हाँ। बरसात में अगर आप आते हैं हाँ। तो थोड़ा इसकी खूबसूरती कुछ अलग होती है, क्योंकि जो पानी गिरता है ना, ये लोगों ने बताया था। लेकिन अभी ये तो देखने चलने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का नज़ारा है वहाँ पे। हमारे फादर बताते थे कि पहले इधर डाकुओं का वो बहुत बड़ा ये होता था, लेकिन अब सुनने में आता है कि 2008 के बाद यहाँ पहले कुछ था नहीं। कुछ नहीं था? नहीं, एकदम बिल्कुल प्लेन था। आने वाने में रास्ते में डर वगैरह काफी लगता था, क्योंकि रोड का तो प्रोसेस एकदम ही नहीं था, एकदम नथिंग। अच्छा अच्छा। कार वार भी हो चाहिए तो हैवी कार चाहिए था इस रोड के आने के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन अब ऐसा है कि कम से कम समथिंग मंदिर से 1 किलोमीटर बिफोर आप कम से कम आराम से पहुंच सकते हैं। अपने मोबाइल वगैरह जो भी हैंड में है सब उसको मजबूत से पकड़ कर रखिएगा। क्यों? बंदरों के इस वजह से? ये नोट ऐसे उड़ाते हैं जैसे लगता है कि मतलब वो किसी को बांट रहे हो। वो दूसरे की संपत्ति को अपना समझते हैं। हाँ, हिलने लगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हाथ में प्रसाद क्या? नहीं नहीं, ऐसे कर सकते हैं, कैप्चर कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बंदरों की टोली आपको दिख रही होगी। हाँ। और जैसा कि भैया बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी अटैक करते हैं, और मुझे डर लगा है मेरा कैमरा छीन करके भाग गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मजबूती से इसे पकड़े हुए हूँ। अब मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि एक ड्रोन मेरे पास होना चाहिए था, क्योंकि ड्रोन की कमी मुझे महसूस हो रही है। नहीं, जो ड्रोन से जो नज़ारा है ऊपर से अगर आप कैप्चर करते हैं ना, दूर से कर सकते थे तो उसकी खूबसूरती जो है ना अलग घाटियों की, इनके एरिया से दूर, इनके एरिया से दूर ड्रोन हो तब तो ठीक है। हाँ। तो इनके नजदीक होगा तो उसको भी कुछ समझ खास खाने वाला समझ करके उसको भी तोड़ देंगे। चैनल बता दीजिएगा। हाय, कहाँ के, कहाँ से हैं आप लोग? झारखंड। गढ़वा, झारखंड। जी, पलामू डिस्ट्रिक्ट। पलामू डिस्ट्रिक्ट जी, जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम तो हैं यहीं से। और भगवान कैसा लगा नज़ारा यहाँ का? बहुत बहुत डर लगा। मोदी राज में नीतीश जी ने काफी यहाँ डेवलपमेंट भी किया है, जो दिखने को दिख रहा है वो हैंगिंग कुछ लगता है अभी रिसेंटली बना है। हाँ, ये काफी रिसेंटली बना हुआ है, रिसेंटली बना हुआ है, मतलब बंदर से हम लोग परेशान है। अच्छा, ये कहीं छीन प्रसाद प्रसाद वगैरह सब छीन रहा है? ये तो नहीं छीन के भागते हैं, जबरदस्ती छीन रहा है। पानी का जो फ्लो है वो अभी वो सिर्फ बरसात के मौसम में गिरता है, वो अभी हल्का फवारा आप देख रहे होंगे नजदीक जाने के बाद आपको दिखेगा वो गिरेगा नजदीक से पानी में। अच्छा अच्छा, रोकना पड़ता है। आप यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हो। तो ये हैंगिंग ब्रिज का सहारा लेकर के लोग मंदिर तक जाते हैं, और अभी जो वाटरफॉल का नज़ारा है वो शायद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है।
इतना खूबसूरत नज़ारा जो होना चाहिए था वो फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। कैमूर की वादियों से मोहब्बत की दास्तां वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन जब से मैंने इन्हें एक्सप्लोर करना शुरू किया है ये दास्तां जो है अब जुनून में तब्दील होने लगी है। तो ये मेरे पीछे आप जो रोपवे देख रहे हैं ये सीधा होकर के सीधा माँ के मंदिर में जाता है और यहाँ पे जो है वाटरफॉल का पानी। खैर, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैं बरसात के मौसम में नहीं आ पाया, क्योंकि बरसात के मौसम में जो नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है वो उसकी खूबसूरती क्या मैं कहूँ, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अभिलेश कुमार। हाँ। कहाँ से हैं? पालीगंज से, बिहार। कैसा लगा यहाँ का नज़ारा आपको? बहुत बढ़िया। हाँ। पहली बार आप आ रहे हैं? हाँ, पहली बार। हाँ। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। ये अभी हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं यहाँ पे, खैर बरसात का मौसम नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे लगता है आ भी गए हैं, वरना बारिश के मौसम में जिस तरीके से यहाँ से ऊपर में पानी गिरता है ये मुश्किल होता होगा इस पॉइंट पे आ पाना। अभी का जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो फुहारा ऊपर से गिर रहा है, जो पानी आप देख रहे होंगे, जो पानी के फुहारे ऊपर से आ रही हैं और जो फील दे रही हैं उसका खैर अपना वाइब्स है, अपना अलग मज़ा है। कहाँ भाई लोग, कहाँ होगा आप लोग का घर? हम लोग का बिहार है। बिहार? बिहार में कहाँ? ससाराम। मज़ा आया? ये पहली बार आ रहे हैं आप लोग की? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार आ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत जगह है, लेकिन भाई पानी के गिरने की वजह से इतना लगता है जो गड्ढा हो गया है, तो जो रास्ता ऊपर से जिसका पानी पानी गिरता होगा। बरसात के मौसम में तो यहाँ पे आ पाना बड़ा मुश्किल होता होगा। दूर से नज़ारा लेते होंगे बरसात के मौसम में। पानी बहुत ठंडा होगा, लेकिन बहुत ठंडा पानी। हाँ, लेकिन फ्रेशनेस स्नान करने के बाद बड़ा अच्छा लगता होगा। बरसात के मौसम में आप लोग यहाँ पे आए हैं? बहुत सुहाना मौसम लगता है। पानी की रफ्तार बहुत तेज होता होगा इस समय पर। जो पानी की बूंदें जब ऊपर से गिर रही है ना और चेहरे पे जब वो पड़ रही हैं, वो जो क्या मैं बोलूँ यार, जन्नत का मज़ा मिल रहा है। लेकिन सही बता रहा हूँ मैं। देखिए, आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो पानी की जो फुहारे हैं ना वो पहले तो सीधी गिर रही हैं, लेकिन जब हवा चल रही है ना तो इस तरीके से पूरे डायरेक्शन चेंज करके अपनी तरफ आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, और एक अजीब, जब बुने जब चेहरे पे गिरी ना तो अजीब फ्रेशनेस काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। लोग जो है प्रकृति के ऐसे सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के लिए लेह, लद्दाख, मंसूरी, कहाँ कहाँ जाते हैं, शिमला। लेकिन मैं तो कहता हूँ एक बार आप आ करके बिहार को एक बार एक्सप्लोर कीजिए आप, क्योंकि बिहार में ऐसे ऐसे हिडन ट्रेजर आपको मिलेंगे ना कि आप मंसूरी, लद्दाख और शिमला इन सबों की खूबसूरती यकीन मानिए आप भूल जाइएगा। लोग पूरे जोश में झरने का आनंद लेते हुए, आप देख सकते हैं लोगों की आवाज़ सुन सकते हैं आप कैमरे में, अगर सुनाई दे रहा होगा तो। अरे आपके मित्र लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं झरने के पानी को। एंजॉय करने आए हैं। आप भी जा करके थोड़ा एक दो बूंद चख लेते हैं। सामान का रक्षा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ड्रोन के कमी में आज सच कहूँ ना, आज बहुत बहुत महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि ड्रोन के थ्रू जो यहाँ पे शॉट मेरे को भी मिलता उसको यार कैमरे में, वो तो खैर वो नज़ारा तो मैं कैप्चर कभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिक्र करने कोई बात नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में भी आने वाले कुछ ब्लॉग्स में हो सकता है कि आपको ड्रोन शॉट बहुत जल्दी देखने को। पानी तो बहुत ठंडा है, सर्दी वर्दी लग जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। गर्मी कहाँ भैया, नहाने के बाद मज़ा आ रहा है? बहुत फ्रेशनेस फील हो रहा होगा है ना? बहुत ठंडा पानी है, माइनस में चल गया। बताइए यहाँ पे, मतलब देखिए भक्ति के सराबोर, भक्ति में सराबोर लोगों को देखिए आप, इतने ठंडे पानी में भी डुबकी लगा ले रहे हैं। खैर मैंने तो पानी को हाथ भी नहीं लगाया, इतना ठंडा पानी है, लेकिन कुछ लोग इसी पानी में डुबकी भी लगा रहे हैं। बहुत ठंडा पानी है। तो आप भी यहाँ पहली बार आ रहे हैं मेरी तरह? हाँ, मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा लगा यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। यहाँ आने पर एक अवेयरनेस का अलग सा सैलाब खड़ा हो जाता है। जहाँ जैसे आप उधर जाइएगा तो जाते समय देखिएगा कि होश जो है ना, आदमी का होश बढ़ जाता है अचानक से, पूरा लगता है कि हाँ कुछ है यहाँ। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जरूर किसी न किसी व्यक्ति को बोध की प्राप्ति हुई होगी, ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी इस जगह पे, तभी ये जगह इतना खूबसूरत है।
और इस जगह पे इतना एक चेतना का महासागर भरा हुआ है। इतना गुस्सा था सर नहीं कि लगता है कि मोबाइल वोबाइल छीन लिया सर। छीन लिया जा मत देखा जा तो इनके फोटो लेते हैं बढ़िया वाला भाग ले जाए। ये उबड़ खबड़ रास्तों से होते हुए हम लोग उस वाटरफॉल जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन अब वापस जाएंगे कैसे। तो चट्टानों की एक बहुत ही जटिल संरचना जो है ये रास्ते का निर्माण कर रही है। तो फिलहाल हम लोग लौटते हैं और आज का ब्लॉग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।